स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से उसमें ज्वाइन हो जाएं और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अगर किसी भी प्रश्न को समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग उसमें जो है डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं। कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। नंबर 2 सवाल कह रहा है इन 2 रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हम आप लोगों को इसका जो है इंट्रोडक्शन नहीं करा पाए थे, तो इसमें हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि कार्तीय तल होता क्या है। तो दोस्तों देखिए ऐसे आप लोगों की एक कार्तीय तल होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्स अक्ष। और इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। यह आपका जो होता है इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। दोस्तों यह आप लोगों का कार्तीय तल हो जाएगा, इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश और इसे हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। आप लोग एकदम वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो दोस्तों यह आप लोगों का जो है कार्तीय तल बन गया। अब इसमें आप लोग समझ लीजिए कि इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, बस इतने में ही आप लोगों का पूरा आंसर छिपा हुआ है। तो दोस्तों देखिए कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। तो दोस्तों देखिए क्षैतिज जो है आप लोगों की यही रेखा है, क्षैतिज रेखा यह है और ऊर्ध्वाधर यह है। तो दोस्तों पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि क्षैतिज रेखा को जो है हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को जो है हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों यह हो गई क्षैतिज और यह हो गया ऊर्ध्वाधर। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब अगला जो सवाल हमारा कर रहा है इन 2 रेखाओं से बने तल में प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 भाग बने हुए हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो इन 4 भागों का अगर नाम की बात किया जाए तो लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इस प्रकार दोस्तों लिख लेंगे द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश। क्या हो जाएगा दोस्तों? चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे? दर्शा लेंगे। यानी जो आप लोगों की ये भाग है इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, इसको तृतीय चतुर्थांश कहेंगे और इसको चतुर्थ चतुर्थांश जो है कहेंगे। अब बात किया जाए दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो दोस्तों देखिए यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है, यह इस बिंदु पे जो है काटती है यानी प्रतिच्छेदित होती है। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों और यहाँ जो है इसका जो निर्देशांक होता है, जो इसकी निर्देशांक ज्यामिति होती है वह जो है वह 0 0 होता है। क्या होता है? इसका जो है 0 0 होता है मूल बिंदु पे। कहाँ पे? मूल बिंदु पे। तो दोस्तों इस प्रकार हम समझ
रहे होंगे कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, बस जो आपकी क्षैतिज रेखा है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं, और इसके चार भाग होते हैं। प्रथम भाग को हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय भाग को तृतीय चतुर्थांश, और चतुर्थ भाग को जो है चतुर्थ चतुर्थांश भी कहते हैं। उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, कर रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो दोस्तों, या जो दो रेखा जहां प्रतिच्छेदित करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों, बात किया जाए अगले प्रश्न की, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, या निम्नलिखित के मान लिखिए। तो दोस्तों देखिए, देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ कुल मिला के टोटल 8 प्रश्न है और एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र से जो है हमें इन सभी के आंसर को देना है। एक चीज और दोस्तों, हम इसकी पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, निर्देशांक। क्या दोस्तों? निर्देशांक। तो निर्देशांक अगर मान लीजिए किसी बिंदु का भी अगर आपको निर्देशांक लिखना है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष का मान लिखते हैं, पुनः फिर वाई अक्ष का मान लिखते हैं। तो इस प्रकार यही जो होता है निर्देशांक होता है। तो अब हम लोग चलिए सवाल पे चलते हैं और सवाल को देखते हैं कि हमारा सवाल क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखिए, सवाल कह रहा है बी के निर्देशांक, बिंदु बी आपका यह है और कह रहा है बिंदु बी के जो है निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, बिंदु बी सबसे पहले एक्स अक्ष पे हमारा दिख रहा है बी की किसके सामने है, -5 के, और y की जगह किस पे है, 2 के। तो बिंदु B का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, -5 और 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? -5 और 2। तो बिंदु B का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा -5 यानी x का मान और 2 y का मान। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए दिया है C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके निर्देशांक ज्ञात करना दोस्तों? सी बिंदु का। अब इसमें देखिए आपका सी बिंदु कहाँ है, तो बिंदु सी यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारा एक्स अक्ष पे जो मान है वो +5 है और वाई अक्ष पे देखा जाए तो -5 है। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 और -5, यानी आपका 5 हो जाएगा एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे -5। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, -5 और -3, तो यहां देखिए -5 है और यहाँ पे जो है -3 है, इसके द्वारा कर रहा है -5 और -3 के द्वारा जो बिंदु पहचाना गया है वह कौन सा बिंदु है। तो दोस्तों उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, जो सवाल है वो कर रहा है -3 और -5। क्या है? -3 और -5। तो दोस्तों -3 एक्स अक्ष पे और -5 यहाँ पे, तो इसके द्वारा जो बिंदु है वह बिंदु क्या है, ई है। कौन सा बिंदु है दोस्तों? ई। तो इस प्रकार बिंदु ई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बात किया जाए अगले प्रश्न की, तो सीधे सीधे हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो दोस्तों देखिए, 2 और -4, तो 2 तो आपका यहाँ पे देख लिया जाए, कहाँ से ले लिया जाए दोस्तों? देखिए 1, 2 यहाँ पे है और 1, 2 आपका यहाँ पे है। तो इस 2 से देखिए 2 और -4, देखिए बिंदु 2 हो जाएगा x अक्ष पे और -4 जो है यहाँ पे है। तो बिंदु 2 और -4 से कौन सी बिंदु मिल रहा है? तो बिंदु G। क्या मिला है दोस्तों? बिंदु G मिल रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु G हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है डी का भुज बताइए, यह आपका डी बिंदु है, इसका भुज बताना है। क्या बताना है दोस्तों? भुज। तो हम आप लोगों को बताए थे कि इस रेखा को हम यक्ष अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। दोस्तों एक्स अक्ष यानी जो क्षैतिज रेखा होती है उससे हम भुज कहते हैं और जो वाई अक्ष होती है उसको हम कोटि कहते हैं। तो दोस्तों डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6।
यह आपका भुज है और यह कोटि है। आप देखिए कह रहा है बिंदु H की कोटि बताइए, तो H देखिए कहाँ पे है, H आपका यहाँ पे है, इसका कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कोट, कोटि मतलब होता है y अक्ष का मान, तो H का जो है y अक्ष का मान क्या है, -3 है, तो H की कोटि क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल कह रहा है बिंदु L के निर्देशांक, तो L आपका यह है, इसका जो है निर्देशांक बताना है। तो दोस्तों देखिए यह जो है y के अक्ष पे जो 5 है और x अक्ष पे माना जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 5, तो 0 और 5 हो जाएगा। तो L बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 5। अब देखिए बात किया जाए बिंदु M के निर्देशांक, तो M बिंदु तो आपका यह है, अब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो M बिंदु देखिए -3 e का मान है और y अक्ष पे मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, -3 और 0। क्यों, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे जो है M बिंदु है तो यह x अक्ष पे स्थित है और y अक्ष की बात किया जाएगा तो वह मूल बिंदु के पास होगा। जब मूल बिंदु के पास होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग सभी प्रश्नों को जो है उत्तर दे देंगे। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।